नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा अमेरिका के बाजार के बारे में। कल हमें डाओ फ्यूचर्स और नेस्डेक फ्यूचर जो इंडिकेशन दे रहे थे एग्जैक्टली वैसा ही ट्रेड हुआ है, बट उससे कई ज्यादा ऊपर ट्रेड हुआ है। यानी कि कल हमें दिख रहा था कि डाओ फ्यूचर्स पॉजिटिव है, नेस्डेक फ्यूचर्स नेगेटिव है, सेम हुआ है, बट जितने डाओ फ्यूचर्स पॉजिटिव थे उससे कई ज्यादा ऊपर डाओ जोन्स बंद हुए हैं, और नेस्डेक इंडेक्स जितना नीचे था, नेस्डेक फ्यूचर्स सॉरी, उससे कम नेस्डेक इंडेक्स बंद हुआ है। अब आपके साथ शेयर करता हूं डिटेल्स। तो पहले तो मैं आपको अमेरिका के बाजार की अपडेट देता हूं, फिर ग्लोबल मार्केट्स की अपडेट देते हैं, फिर कल जो इवेंट हुए हैं बड़े उसके बारे में बात करेंगे, एंड कल जो हो सकता है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो अमेरिका के मार्केट्स के बारे में बात करते हैं, जहां पे आपको डाउ जोन्स लगभग 327 पॉइंट्स की रैली देते हुए देखें, तो 1% की ऑलमोस्ट तेजी थी, काफी अच्छा मूव रहा है। वहीं अगर बात करें नेस्डेक इंडेक्स की, तो वहां पे आपने देखा है कि कल गिरावट के साथ ही नेस्डेक इंडेक्स आपको बंद होते हुए दिखाए, अराउंड 0.28% की आपने गिरावट ही देखी है नेस्डेक इंडेक्स में, 32 पॉइंट्स गिरकर बंद हुआ है। तो नेस्डेक इंडेक्स कल एक अंडर परफॉर्मेंस दिखाता हुआ दिखा है, दैट मींस कल हमारे आईटी स्टॉक्स में मे बी कल भी आपको प्रेशर देखने को मिल सकता है। S&P 500 लगभग आधे परसेंट ऊपर था, एंड वहीं रसल 2000 की बात करें तो फ्लैट। तो काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी देखिए कल आपने अमेरिका के मार्केट्स में। विक्स की बात करें तो यहां 1% की गिरावट ही आई है अमेरिका में, दैट मींस आप ये कह सकते हैं कि भैया फियर और ज्यादा कम होता हुआ दिख रहा है। अब बात करें आगे कि क्या क्या कल के सेशन में हमारे बाजार में हुआ है, उससे पहले एक बार हम, क्योंकि ये जो कल का डाटा है वो तो हमारे लिए मतलब का है नहीं, क्योंकि आज हमारे मार्केट्स बंद हैं महावीर जयंती के कहीं ना कहीं रूप में। अभी यहाँ पे जो आज ट्रेड होगा अमेरिका में वो हमारे लिए मैटर करता है। तो पहले तो डाओ फ्यूचर्स देख लेते हैं कैसा ट्रेड कर रहे हैं। तो डाओ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं फ्लैट, 8 पॉइंट्स नीचे केवल, दैट मींस कोई इशू नहीं है हमें, क्योंकि भैया कल की लगभग 1% की 300 पॉइंट्स की तेजी हम कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे थोड़ा बहुत। नेस्डेक फ्यूचर्स भी देख लेते हैं वो कैसा ट्रेड कर रहे हैं। तो यहां मैंने नेस्डेक फ्यूचर ओपन कर लिया, ये अभी भी गिरते हुए दिखे, 30 पॉइंट्स डाउन है, दैट मींस नेस्डेक इंडेक्स ने जो आउट परफॉर्मेंस दिखाई है पिछले कुछ दिनों में वो सेटल होते हुए दिख रही है। अब आते हैं हमारे भारतीय बाजार के हिसाब से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो कल RBI की MPC की मीटिंग की फर्स्ट डे था, जहां पे कुछ इस प्रकार के पोल निकल के आ रहे हैं, हालांकि RBI की तरफ से नहीं, यहाँ पे जो फाइनेंशियल न्यूज़ होती हैं, फाइनेंशियल एप्लीकेशंस होती हैं, उन पे व्यू आया है कि लगभग 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक आ सकता है। देखिए मैं आपसे कंटिन्यू कर रहा हूँ, रेट हाइक आता है नहीं आता है वो एक अलग बात है, लेकिन उसके बाद की जो कमेंट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और कमेंट्री में सिर्फ दो चीजें हमें देखनी है कि आगे रेट कट होंगे या पॉज, दूसरा इस साल क्या हम सॉरी आगे रेट हाइक होंगे या नहीं, रेट हाइक होंगे या पॉज होगा, एंड दूसरा ये क्या इस साल कोई रेट कट आ सकता है, बस इतना हमें जानना है और उसी के ऊपर बाजार रिएक्ट करेगा। अगर RBI गवर्नर शक्तिकांत दास जी कहते हैं कि इस साल या फिर इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक आपके लिए रेट कट भी आ सकते हैं, बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। वहीं अगर बात हो जाए कि भैया अभी तो और भी रेट हाइक हो सकते हैं, इन्फ्लेशन काबू में नहीं है, तो ये एक चिंता का विषय भी बन सकता है। एक चीज जो क्लियरली दिखी है वो ये बेमौसम बारिश, और बेमौसम बारिश ने डेफिनेटली फसल को इम्पैक्ट करा होगा, जो कि इन्फ्लेशन को थोड़ा डेफिनेटली प्रॉब्लम में ला सकती है, बट ज्यादा नहीं लाएगी, बट थोड़ा बहुत तो डेफिनेटली ला सकती है। अब स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं, तो देखिए पहले तो वही स्टॉक आजकल फोकस में चल रहे हैं जिनमें भैया ऑर्डर मिल रहे हैं इंफ्रा से रिलेटेड, तो इंफ्रा से रिलेटेड स्टॉक्स पे आपको एक तो फोकस रखना है। सेकंड थिंग, एक और चीज जो आप देख पा रहे हैं, कोविड के केसेस में इंक्रीजमेंट, यानी कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और अब तो डेथ भी सामने आ रही है, तो ये एक चिंता का विषय है। कल के सेशन में कोविड के लगभग दिल्ली में 293 केसेस आए हैं जिसमें से 2 डेथ हुई है, तो ये एक अपने आप में चिंता का विषय है। हालांकि बाजार इसको लेकर ज्यादा कुछ नेगेटिव रिएक्ट तो नहीं देगा, बट अगर कोई बूम होता है तो एक शॉर्ट टर्म में 1 से 2 दिन के लिए डेफिनेटली नेगेटिव रिएक्शन आ सकता है, तो सेफ्टी भी अब थोड़ा सा आप लोग बना के रखिए, मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा। वहीं बात करें कि ऑर्डर कहाँ है, तो NBCC का स्टॉक है जो एक कहीं ना कहीं कल रात में 8:49 पे खबर आई है, कंपनी सिक्योर्स एंड ऑर्डर वर्थ 448 करोड़, बाकी कोई ज्यादा खास नहीं है। महाराष्ट्र से भी मैं आपको बता दूं लगभग 248 केसेस नए आए हैं, महाराष्ट्र रिपोर्ट 248 न्यू कोविड 19 केसेस
203 रिकवरीज एंड 1 डेथ इन लास्ट 24 आवर्स, एक्टिव केसेस 3500। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं देख के चलना होगा। तो लेट्स सी मार्केट कल कैसा रिएक्ट करता है, कैसा नहीं करता है। बट अभी के लिए जो डाटा था वो यही था। होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।